दोस्तों रिश आईएएस एकेडमी ने अमृत काल के बेला में जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का फैसला किया है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रभात रंजन आज एक नई शख्सियत को लेकर उपस्थित हूं और उस शख्सियत का नाम है सरोजनी नायडू। आप सारे बहुत लोग इनके बारे में कुछ जानकारी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा कि इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। तो आज इनके महत्वपूर्ण कार्यों और इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं यहां चर्चा करूंगा। तो दोस्तों सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद नामक शहर में हुआ था। इनका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय था, जो जाने माने वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। इन्होंने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और यह उसके पहले प्रिंसिपल भी थे। सरोजनी नायडू की माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था और वह बंगाली में कुछ कविताएं लिखा करती थी, उनके कविताओं से काफी लगाव था। तो आज भाई बहनों में सबसे बड़ी सरोजनी नायडू का भी माता के उस व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा, जैसा कि आप जानते हैं माता पिता का प्रभाव उनके बच्चों के जीवन पर पड़ता है। तो माता चूंकि बंगाली में अच्छी कविताएं लिखा करती थी तो इनकी अभिरुचि सरोजनी नायडू की अभिरुचि कविता लेखन में हुई और इन्होंने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में एक जो लिखा कविता संग्रह उसका नाम था द लेडी ऑफ द लैंड और यह काफी चर्चित हुआ और इसके कारण इनको काफी प्रसिद्धि मिला। इसके बाद इन्होंने आगे चलकर के अंग्रेजी में कई सारे महत्वपूर्ण कविताएं लिखी और उन कविताओं का महत्वपूर्ण संग्रह समय समय पर प्रकाशित हुआ। इन कविता संग्रहों में जो अगला था वह जैसा कि आप बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हैं 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। इसके बाद 1912 में जो अगला इनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ उसका टाइटल था द बर्ड ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो अगला इनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ वह 1917 में द ब्रोकन विंग था। इसके बाद राजनीति में ज्यादा सक्रिय होने के कारण इनको फुर्सत कम मिला तो बहुत कम कविताएं लिखी, इसलिए जाकर के इनकी मृत्यु के बाद जो राजनीति में सक्रिय होने के दौरान इन्होंने कविताएं लिखी थी उसका संग्रह प्रकाशित हुआ और यह कविता संग्रह 1961 में इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक था द फीडर ऑफ द डॉन। इनके इस कविता के प्रशंसक भारतीय ही नहीं विदेश में भी थे और उन विदेशियों में नाम एडमंड गॉस और ऑर्थर सिमंस का भी आता है। इनके कविताओं का फ्रेंच और अंग्रेजी वगैरह में भी काफी अनुवाद किए गए, कई सारी भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया। यह जितनी महत्वपूर्ण रूप से कविताएं लिखती थी उतना ही अच्छे ढंग से उसका स्वर पाठ किया करती थी। जैसे वर्तमान के दौर में आप कुमार विश्वास को देखते हैं जो इतने पॉपुलर हुए, तो उस समय इनका भी जो है वह स्वर पाठ काफी आकर्षक होता था, वह मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता था और उनके प्रशंसकों में महात्मा गांधी खुद थे और महात्मा गांधी ने भी उनके इस स्वर पाठ करने के कारण सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी, यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को प्रसन्न रखती थी, खुश रखती थी। उनके इसी व्यवहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो दूसरी उपाधि दी वह था सदाबहार गुलाब की उपाधि। तो यह तो इनके कविता के क्षेत्र का परिचय हो गया सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू ने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से हैदराबाद से पास की। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां इंग्लैंड में पहले इन्होंने किंग्स कॉलेज में दाखिला लिया, उसके बाद वह कैम्ब्रिज के गिर्टन कॉलेज में पढ़ाई। लेकिन आगे चलकर 1898 में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ इंग्लैंड में और यह स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भारत आ गए। भारत में स्वस्थ होने के बाद उसी वर्ष इनका विवाह, जैसा कि यहां बोर्ड में देख रहे हैं, गोविंद राजुल्लू नायडू के साथ हुआ और आगे इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। इसके बाद सरोजनी नायडू ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। चूंकि राजनीति में इनकी काफी अच्छी रुचि थी,
यह एक अच्छी समाज सेविका, अच्छी राजनीतिज्ञ और अच्छी लेखिका थी। तो राजनीति में जाने का इनका जो निर्णय था वह गांधी में संपर्क के आने के बाद हुआ। गांधी से यह 1914 में जब इंग्लैंड यात्रा पर थे तो वहां यह गांधी से मिले और गांधी के जो विचार थे, जो दर्शन थे और उनका जो वहां रहन सहन का जो स्थिति था, एक जो दक्षिण अफ्रीका में इतना ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति हो चुका है उसका इंग्लैंड में एक साधारण तरीके से जो रहन सहन था वह सोरेनाडो को काफी प्रभावित हुआ। और गांधी लोग संस्करण अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब वह सामने आई और हमारे स्थितियों को देख करके खिलखिला करके हंस पड़ी तब मुझे आभास हुआ कि गांधी के सामने इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, यह सरोजिनी नायडू ही हो सकती है। इसके बाद सरोजिनी नायडू कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय समाज सम्मेलन के सदस्य के रूप में सक्रिय हुई और इनमें सक्रिय होकर के उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए कई सारे संघर्षों में भाग लिया। स्त्रियों का उद्धार करना, स्त्रियों को शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में जागरूक करना, उनको विभिन्न सारे आंदोलनों में जोड़ना, यह सरोजिनी नायडू का महत्वपूर्ण लक्ष्य था और इस लक्ष्य में वह काफी हद तक सफल भी रहे। तो यह दिसंबर 1917 में जब स्त्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल उस समय के जो भारतीय वायसराय थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू उनके साथ यह मिले और उस में स्त्रियों के बारे में उन्होंने कई सारे अपने विचार दिए, सुझाव दिए और उनसे उन्होंने कहा कि स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सरकार त्वरित कार्रवाई करे। इसके बाद वह 1918 में कांग्रेस के मुंबई में संपन्न हुए विशेष अधिवेशन में स्त्रियों को वोट देने के अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित कराने में सक्रिय है। इसके बाद 1919 में एक होम रूल सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड गया और वहां पर इंग्लैंड जाकर के वहां की संयुक्त संसदीय समिति से अपनी कुछ मांगे रखी। उस प्रतिनिधिमंडल में भी एक सदस्य के रूप में सरोजिनी नायडू शामिल। इसके बाद वह भारत लौटी। उस समय भारत में 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। उस सत्याग्रह सभा के साथ ये जुड़ी और उससे जुड़ने के बाद गांधी ने इन्हें पूरे भारत में घूम करके सत्याग्रह सभा का आयोजन करने और उसमें महिलाओं को जोड़ने का इन्हें कार्य दिया और उसको इन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद आप जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस असहयोग आंदोलन में भी सरोजिनी नायडू ने मुख्य भूमिका निभाई और जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का मुंबई में आगमन हुआ तो उसके विरोध में कई जगह दंगे भड़क उठे, कई जगहों पर उनका विरोध हुआ। उस दौरान भी जो दंगे हुए उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और उनके बीच सद्भाव स्थापित करने का भी प्रयास सरोजिनी नायडू का रहा। इसके बाद आप जानते हैं कि उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान दक्षिण के क्षेत्र में भोपाला में विद्रोह शुरू हुआ। वहां भी जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम थे उसके कारण वहां विद्रोह भड़क उठा और यह विद्रोह आगे चलकर के हिंदू मुस्लिम जो संप्रदाय का जहर बोला गया था उस दंगे में बदल चुका। तो वहां भी वह जाकर के हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने का प्रयास किया। उसी समय उधर अकालियों ने पंजाब में आंदोलन शुरू किया था क्योंकि उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अकाली आंदोलन आप असहयोग आंदोलन के दौरान पढ़ते हैं तो, और नहीं पढ़े होंगे तो आप उसके बारे में आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो वहां पर वह अकालियों ने जो जुलूस निकाला उस जुलूस में भी सरोजिनी नायडू शामिल हुई और अकालियों का समर्थन किया। अब यहां तक आते आते सरोजिनी नायडू एक काफी महत्वपूर्ण जो है अपनी छवि बना चुकी थी एक संघर्षरत महिला के रूप में, एक लीडर महिला के रूप में। यही कारण था कि आगे चलकर के 1925 में जब कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन शुरू हुआ तो उस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
वस्तु आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अगर महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वह एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहां वह पहली भारतीय महिला। इन दोनों चीजों को आप डिफरेंस करना होगा। तो सरोज नायडू ने 1925 में कानपुर में हुए जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता। इसके बाद वह गांधी के अनेक सारे कार्यों में जुड़ी रही। फिर 1930 में आप जानते हैं कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया अपने 78 सत्याग्रहियों को लेकर के, लेकिन उसमें महिलाओं की भागीदारी को रोक दिया गया था, उसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, प्रतिबंधित उसको रखा गया था। यह कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला था, शायद गांधी जी का फैसला नहीं था। अब जब यह बात महिला आंदोलनकारियों तक पहुंची तो महिला आंदोलनकारियों ने अपने कुछ स्त्री नेतृत्वकर्ता के साथ गांधी से मिलने का फैसला किया और उन्हें महिलाओं के भाग लेने पर जो वीटो लगाया था उसको वापस लेने के मनाने का प्रयास किया। और यह प्रश्न भी सीडीएस में पूछा गया है कि उसका नेतृत्व जो गांधी से मिले और उन्होंने स्त्रियों को उस आंदोलन में भाग लेने के लिए वीटो कर दिया गया था, उसको वीटो को हटा करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भाग लेने के लिए आगे चलकर मनाने का गांधी का प्रयास किसके द्वारा किया गया, यह प्रश्न पूछा गया। कौन सा जो है नेतृत्वकर्ता थी जिन्होंने गांधी के समक्ष यह बात रखी और गांधी ने फिर इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को जो है एक छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी लिखा और उसके बाद फिर यह वीडियो वापस ले लिया गया और बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अब आप जानते हैं कि गांधी ने 200 मील की यात्रा करके साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे, यह दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। तो अंतिम दिन जब वीटो हटा लिया गया स्त्रियों को इसमें शामिल होने का जो वीटो लगा हुआ था, तो जब यह आंदोलन स्त्रियों के लिए भी खुल चुका तब उसमें अंतिम दिन सरोजिनी नायडू जाकर के दांडी में इस आंदोलन के साथ जुड़ी और उन्हें गांधी ने यह कहा कि यदि मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो आगे का कार्यभार आप लोग संभालेंगे। तो दांडी में आप जानते हैं कि नमक उठा करके गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद उनका था कि दांडी के नजदीक जो धरसना नमक की फैक्ट्री है वहां पर सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, लेकिन यह सत्याग्रह गांधी शुरू कर पाते इसके पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आगे इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी के ऊपर आ पड़ा जो एक रिटायर्ड जज थे और गांधी के अनुयायी थे। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तब धरसना पर सत्याग्रह का भार सरोजिनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद पर आ पड़ा। यह नाम आप जरूर याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला वह सरोजिनी नायडू थी और इसके बाद उनका यह कारवां आगे बढ़ता गया। 1931 में जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ उसकी भी अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू को बनाया गया और आगे वह स्त्रियों के अधिकारों के लिए काफी संघर्षरत रही। वह अलग अलग मंचों से स्त्रियों को वोट देने का अधिकार और उनके आंदोलन में भाग लेने और उनको महत्वपूर्ण पद वगैरह दिए जाने और अन्य सारे क्षेत्रों में जो है महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा काम किया सरोजिनी नायडू। इसके बाद आप जानते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और गांधी के साथ यह भी मुंबई में गिरफ्तार हो गए। उसके बाद जानते हैं कि गांधी को जो है पुणे के आगा खान पैलेस नजरबंद किया गया। उसमें आपको पहले के वीडियो में बताया गया है कि उस नजरबंद में उनके साथ जो थे वह बीराबेन के लिए भी गिरफ्तारी का वारंट था जिनके बारे में हम सीरीज कर चुके हैं और उसमें गिरफ्तार होने वाली में सरोजिनी नायडू भी थे, इनको भी गांधी के साथ ही गिरफ्तार करके वहां आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। आगे फिर सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की रिहाई हुई, उसमें सरोजिनी नायडू भी थी। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो यहां पर संविधान सभा का गठन हुआ और आगे संविधान सभा ने भारत के लिए जो वर्तमान का संविधान बनाया, उस संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे उसमें आप जानते हैं, यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि
उन प्रतिनिधियों में, संविधान सभा के प्रतिनिधियों में, उनके सदस्यों में मात्र 15 महिलाएं थी और सारे पुरुष थे। तो उन 15 महिलाओं में एक नाम सरोजिनी नायडू का भी, सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस आजादी के बाद जो हमारे प्रांतों का गठन किया गया उनके लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई, तो उन राज्यपालों में जो है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का राज्यपाल सरोजिनी नायडू को बनाया गया और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और फिर लखनऊ में ही इनकी राज्यपाल में रहते हुए ही 2 मार्च 1949 को निधन हो गया। आगे चलकर के भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया, साथ ही साथ इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में महिला दिवस मनाया जाता है। यह महिला दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो यह 2014 से शुरू किया गया है महिला दिवस मनाने का प्रक्रिया, और यह महिला दिवस भी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यह था सरोजिनी नायडू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिचय। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जितना जल्दी आप इसे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे उसके बाद फिर आपसे प्रत्यक्ष रूप से लाइव रूबरू होंगे। और जिन क्षेत्रों में आपको लगता है कि यह क्षेत्र में जो है हमारी जानकारी कम है, नेट हो इतिहास का या टीजीटी हो या जो इतिहास में सीडीएस एनडीए वगैरह में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों का भी एनालिसिस हम करेंगे और कैसे प्रश्न दिए जा रहे हैं इसके बारे में अगले क्लास में हम इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं, धन्यवाद।